हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस। गाइस, बात करूंगा इन्फोसिस के स्टॉक के बारे में। देखिए, मैं आपके साथ एक चीज शेयर कर चुका हूं कि इन्फोसिस कब रिजल्ट्स डिक्लेयर करेगा, 24th ऑफ जुलाई को। बिना किसी देरी के बता दूंगा आपको, 24th ऑफ जुलाई को स्टॉक अपने रिजल्ट पेश करेगा क्वार्टर वन के। लेकिन इस वीडियो में क्या खास होने वाला है ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, एंड जो मेरे व्यूअर्स हैं उन्हें अच्छी तरीके से पता, चाहे टीसीएस के आपको रिजल्ट डेट हो या इन्फोसिस की हो या फिर डीमार्ट की हो, सबसे पहले आपको हमारी तरफ से ही पता चल रही है। अभी टीसीएस आगाज करने वाला है 8th ऑफ जुलाई को रिजल्ट पेश करके, 24th जुलाई को आपको इन्फोसिस के रिजल्ट आते हुए दिखेंगे, एंड मिड कैप आईटी में एलटीआई के कहीं ना कहीं नंबर्स मतलब डेट आ चुकी है कब आने वाले हैं। तो ये सारे मिड कैप भी अब धीरे धीरे अपने रिजल्ट्स शो करना स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन आज की वीडियो में जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आईटी स्टॉक्स, मैं एक पर्टिकुलर स्टॉक की बात नहीं कर रहा, मैं आईटी स्टॉक्स की बात कर रहा हूं, कैसे पेश करेंगे ये रिजल्ट्स, इसका डाटा कहीं ना कहीं सामने आया है, एंड ब्रोकरेज हाउसेस का क्या मानना है ये मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। एक डिस्क्लेमर दे दूं, ये मैं पर्सनली नहीं बोल रहा हूं कुछ भी, ये जो मेरी स्क्रीन पे शो हो रहा है, जो कहीं ना कहीं से मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है, मेरे पास नहीं, आप सभी के पास आई है, एंड मैं आपको बताऊंगा आप भी कैसे चेक कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, इस पे बात करते हैं कैसे रहेंगे रिजल्ट्स, एंड उसके बाद मैं अपना व्यू दूंगा कि कैसा इंपैक्ट करेगा ये चीज इस स्टॉक को लेकर। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाता हूं, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर चैनल पे तो आते रहते हैं जाते रहते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, उनसे मैं ये कहना चाहूंगा प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इसको लाइक भी कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। गाइस, एक चीज कहना चाहूंगा यार, वो बहुत ज्यादा मतलब डिसअपॉइंट कर देती है, मैं डीमोटिवेट तो नहीं हो सकता इन चीजों से क्योंकि ये पार्ट ऑफ लाइफ है। मार्केट चल रही है तो मार्केट में कभी आपके टारगेट्स आएंगे, कभी एसएल आएंगे, एंड जब एसएल होते हैं तो पब्लिक भड़कती है, एंड नो डाउट वो मुझे सहना होगा। बट एक चीज बहुत ही क्लियरली बोलूं, प्लीज यार हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मैं जब आपसे जो चीज स्टेटमेंट कह रहा हूं ना वो ध्यान से सुनो प्लीज। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि टाटा पावर पे 200 के नीचे मैंने आपको सेल रिकमेंड करा, 200 के ऊपर मैंने आपको बाय बोला, आपका मार्जिन कितना लगा, 2 से 4 पॉइंट्स, लेकिन फिर भी 204 पे मैंने आपसे कहा कि ये स्टॉक नेगेटिव है एंड बड़ी गिरावट अभी दिखा सकता है, अभी आपके लिए कंडीशनल बाय है। अगर आप ब्रेकआउट से पहले बाय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, एंड आप अगर ब्रेकआउट के बाद बाय करना चाहते हैं तो आप नंबर ऑफ परसेंटेज बात करो तो 5% का आपको लॉस लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, जिसने मेरे कहने से 200 के नीचे 199 पे बेचा, वो 212 के ऊपर खरीद ले, इसमें आपको 5% का लगा एंड विद ट्रेडिंग। अब मार्केट है, यहां कुछ भी होता है, बट आप ये देखिए कि स्टॉक कितने दिन से कंसोलिडेट कर रहा था एंड फिर फाइनली ऊपर आया। मैंने 204, 206, 208 हर बार आपसे बोला कि स्टॉक रेजिस्टेंस दिखा रहा है एंड कंसोलिडेट हो रहा है, आप चाहें तो ब्रेकआउट से पहले खरीद सकते हैं, नहीं तो गिर भी आप ब्रेकआउट के बाद खरीदें। अब आज ब्रेकआउट के ऊपर आ गया तो मैंने बाय रिकमेंड कर दिया, वहां पर मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए कि ये पहले आप कह रहे थे बेचने को, अब आप कह रहे हो खरीदने को, क्या मार्केट है भाई, मूड माहौल बदलता है। आप मुझे छोड़ दीजिए, एक बड़े से बड़े एनालिस्ट को ले आइए, चार्ट्स पे जब कोई हैवी सेलिंग होती है, कोई न्यूज आ जाए, मुझे नहीं पता कौन सी न्यूज कब रिलीज हो जाएगी, या तो मेरे वहां कॉन्टेक्ट हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, मार्केट में अच्छी खासी चीज चल रही होती है ना, एक खबर पूरी बैंड बजाती है। किसी ने सोचा था कि रिलायंस का स्टॉक 2700 वाला 2400 रुपए पे आ जाएगा, किसी ने नहीं, केवल एक गवर्नमेंट का फैसला, देखिए आप किस हिसाब से। तो ये सब मार्केट का नियम है, आप लोग भी एक्सेप्ट करें, हमें भी। ये बहुत ही ज्यादा रियली यार बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट करती है, तो बस मैं आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं, अदरवाइज तो आपकी खुद की मर्जी है। चलिए अब मैं आईटी का सबसे पहले Q1 का प्रीव्यू करने जा रहे हैं हम लोग। स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ लाइकली मार्जिन प्रेशर सीन विद हाई एट्रिशन रेट। तो रेवेन्यू ग्रोथ कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग रह सकती है एंड मार्जिन पे प्रेशर पड़ सकता है, क्यों, क्योंकि एक तो एट्रिशन रेट, ऊपर से इन्फ्लेशन, तो ये चीजें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देती हुई दिख सकती है। चलिए, कोटक एक्सपेक्ट्स इन्फोसिस टू मेंटेन फुल ईयर रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस एट 12-14% इन कॉन्स्टेंट करेंसी टर्म्स एंड द एबिटा मार्जिन बैंड 21-23%। देखिए, कोटक एक्सपेक्ट कर रहा है कि इन्फोसिस अपने फुल ईयर रेवेन्यू ग्रोथ जो गाइडेंस देती है, इन्फोसिस या टीसीएस या फिर SCLTech जो भी कंपनी होती है गाइडेंस देती है आईटी में, वो बहुत मैटर करती है। वो जो गाइडेंस है वो रेवेन्यू की गाइडेंस करीब करीब 12-14% के बीच में इन्फोसिस दे सकती है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि 13-15 या 14-16% भी हो सकती है, क्योंकि आपने एसेंचर की गाइडेंस देखी, उन्होंने भी इंक्रीज करा, तो यहां भी आपको एक पॉजिटिव सरप्राइज आता हुआ दिख सकता है। बट कोटक की बात करें तो 12-14% का वो लोग कहीं ना कहीं अनुमान लगा रहे हैं। एबिट मार्जिन की 21-23% पे लगा रहे हैं अनुमान, मुझे लग रहा है ये सिमिलरली हो सकता है या फिर आसपास ही। अब देखिए,
मैं आपको बता दूं, मेजर आईटी कंपनीज टिपिकली अनाउंस देयर अर्निंग्स फॉर 3 months एंडेड जून इन द फर्स्ट फोर्टनाइट। चलिए इसके ये तो आपके लिए मतलब वाली बात है ही नहीं। ओवरऑल देखिए, इंफोसिस विल लीड द वे विद रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ 4.5% ऑन सिक्वेंटली बेसिस, फॉलोड बाय TCS 3.6%, द सिक्योरिटीज फर्म सेड। सीजनल वीकनेस विल डैम्पन ग्रोथ एट टेक महिंद्रा, विप्रो एंड SCL टेक, विच में रिपोर्ट 2.8% कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ इन रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर इटसेल्फ। अब मैं आपको इसको इजी भाषा में बता दूं, इंफोसिस लीड कर सकता है 4.5% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर, सेकंड नंबर पे TCS कहीं ना कहीं आ सकता है 3.6% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर, लेकिन वहीं पे ये सीजनल कहीं ना कहीं इनका शायद टेक महिंद्रा विप्रो एंड SCL टेक का कुछ सीजनल होता होगा, इस सीजन में उनका कम ग्रोथ आती है, जहां पे केवल 2.4-2.8% का ही मार्केट अनुमान लगा रहा है विप्रो टेक महिंद्रा एंड SCL टेक्नोलॉजीज में, तो इनमें थोड़ी सी वीकनेस बन सकती है, बाकी इंफोसिस लीड कर सकता है, सेकंड TCS होगा। तो ये कुछ इनकी तरफ से कहीं ना कहीं प्रीव्यू होता हुआ दिख रहा है, ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहता है ताकि आपको पता चल सके कि मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है एंड पेश क्या हो रहा है। अब बात करते हैं कि बोनस के लेकर काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स एंड वीडियोस चल रही हैं, मैं भी अपनी वीडियोस में कंटिन्यू बोनस आएगा बोनस मिलेगा करके लिखता हूं एंड काफी लोग आते हैं उस बोनस को देख के केवल एंड फिर कमेंट में करते हैं कि प्लीज ये सब मत करिए। मैं एक्चुअली आपसे एक ही चीज कहना चाहता हूं कि प्लीज आप बोनस को देखकर कोई वीडियो ही वॉच मत करिए। क्यों? मैं आज आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूँ कि शायद आपको लाइफ टाइम काम आने वाली है, लाइफ टाइम का मतलब अगले 1-2 साल में, ये मैं बहुत बड़ा गलत सेंटेंस बोल दिया बट हाँ आप लोग एक्सेप्ट कर लीजिए, 1-2 साल तक तो बहुत काम आने वाली है। इन्फोसिस मैक्सिमम 2100-2200 के पास जब होता है तब इन्फोसिस केवल अपने बोनस इशू करता है, उससे पहले इन्फोसिस बोनस इशू नहीं करता है। तो ये जब तक स्टॉक का प्राइस इस लेवल के पास ना आए, तो जितनी भी बोनस लिखी हुई है बोनस के रूप में आपको बुला रहे हैं तो आप बस वीडियो को नहीं देखना, सिंपल सा फॉर्मूला है। एंड ये इसलिए क्योंकि मैं तो बहुत रेयर केस में ये लिखता हूं, क्योंकि जब मैं देखता हूं चारों तरफ एक ही बात चल रही है बोनस आएगा, फिर मुझे लगता है कि आपको क्यों ना बताया जाए कि कुछ नहीं आने वाला, केवल और केवल ये आपको बोनस के नाम पे बुलाया जा रहा है। एंड मैंने भी 2-4 वीडियोस में लगाया बट आपसे मैंने इसीलिए बुलाया कि हाँ जी ऐसा कुछ नहीं है। एंड आज मैंने आपको बता दिया, जब तक 2100-2200 का भाव ना दिखे ना इन्फोसिस पे किसी बोनस वाली वीडियो पे नहीं जाना, सिंपल सी बात है। तो ये मेरी वीडियो इन्फोसिस के स्टॉक को लेकर, होप आपको समझ में आई होगी, पसंद भी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।